दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल में एंटी निंजा टेक्निक ब्लॉगर्स में। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला सुजुकी एक्सेस BS6 मॉडल है। देखिए FI फ्यूल इंजेक्टर 3D लोगों में दिया गया है। गाड़ी में आया है स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी नहीं होता है। और दूसरी बात है कि जैसे ही थ्रोटल लेंगे वैसे थ्रोटल रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, तो आपको वो भी दिखाएंगे कैसे क्या प्रॉब्लम है एक्जैक्टली। वीडियो में आखिर तक बने रहिए और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और हेल्पफुल होने वाला है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए रहेंगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो आइए आपको गाड़ी के नज़दीक लेके जाते हैं और इग्निशन ऑन करके बताते हैं गाड़ी में एक्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और गाड़ी में कोई चेक लाइट है क्या मीटर में, वो भी आपको बताते हैं। चलो आइए इग्निशन ऑन करो। देखो इग्निशन हमें ऑन कर दिया है। अब देखो गाड़ी कितना 1000 किलोमीटर चली है, 5762 मतलब 6000 किलोमीटर की गाड़ी चली नहीं है। और गाड़ी में इतनी बड़ी समस्या, कस्टमर भाई को बहुत तकलीफ हो जाता है गाड़ी चलाने में, ये आपको बताता हूँ समस्या क्या है। तो इग्निशन ऑन कर दिए, गाड़ी में सेल्फ मारिए। देखो स्टार्ट नहीं होता है बहुत, देखो इतना स्टार्ट भी नहीं होएगा और थ्रोटल रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता। देखो न्यू बैटरी असेंबल करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम आया है। देखो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। फुल एक्सीलेटर देने के बाद भी गाड़ी सेल्फ चलने नहीं हो रही है। देखो गाड़ी में चेक लाइट भी नहीं है कोई, स्कैन करेंगे देखेंगे आपको। देखो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। बस बंद करिए। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। देखो गाड़ी में कोई मीटर में कोई चेक लाइट नहीं है, मीटर नया बैटरी भी असेंबल कर दिया फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है। देखो आइए आपको बैटरी भी दिखा देता हूँ, नया असेंबल करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। आपकी जानकारी के लिए देखो नया बैटरी असेंबल कर दिया फिर भी सेल्फ मारने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, इतनी बड़ी समस्या। आइए बैक बोनट खोलते हैं और आपको बताता हूँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। बैक बोनट ओपन करता हूँ। देखो बैक बोनट ओपन करो तो ओपन किया है पूरा बैक बोनट ओपन करके भी देखो गाड़ी ब्रांड न्यू गाड़ी है और तकलीफ आना मतलब सर दर्द हो जाता है पूरा। तो आपको करंट दिखाएंगे, फ्यूल के तरफ से भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वो भी दिखाएंगे, प्रेशर भी दिखाएंगे और देखते वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आपको देखते हो कितना इन्फॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो। मैंने बैक बोनट ओपन कर लिया पूरा और अभी तो आपको करंट दिखाता हूँ, करंट का तो प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपको करंट मारा, देखो पूरा प्रॉपर करंट आ रहा है। इसका मतलब ये था कि बैकग्राउंड से करंट का प्रॉब्लम नहीं था, करंट का प्रॉब्लम है नहीं। अभी चेक करेंगे, आगे जाएंगे फ्यूल के तरफ, कहीं फ्यूल के तरफ से तो प्रॉब्लम नहीं है वो भी देखेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे। वीडियो को बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए आप अभी बैक फ्यूल पंप की तरफ खोलेंगे आप तो अभी फ्यूल पंप की तरफ आया है। उसका फ्यूल पंप का पाइप का कैप अपन ओपन करेंगे, एकदम ध्यान से ओपन करना है, ये साइड से ओपन करेंगे। शाम का टाइम है फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आने वाले समय पर आपके गैरेज पर अगर ये गाड़ी आए तो आप कुछ ही घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो, इसीलिए आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से खोलो, बस आराम से खुलने से वो लॉक खुल जाएगा। तो हमने बैक साइड में फ्यूल पंप का एरिया पूरा ओपन कर लिया है, उसका कैप भी ओपन कर लिया। देखो इग्निशन ऑन करते हैं, देखते फ्यूल पंप चालू होता है या नहीं, प्रेशर करते चालू करो। देखो एक बार फिर से बंद करो, एक बार बंद 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 फिर से चालू बंद बंद। इससे ये पता चलता है कि ना ही करंट का प्रॉब्लम था ना ही फ्यूल के तरफ से कोई प्रॉब्लम है। तो आइए आपको बताता हूँ कहाँ से प्रॉब्लम है। आखिर में हम लास्ट स्टेप पे पहुँच गए फ्यूल पर आइडलिंग के प्रॉब्लम में, कहाँ से आइडलिंग का प्रॉब्लम आ रहा है समस्या है देखिए आपको बताता हूँ। अंधेरा है फिर भी आपको वीडियो शूट करके दिखा रहा हूँ। तो बहुत समय क्या होता है कैनिस्टर की तरफ से पाइप ब्लॉक रहेगा। देखो एक आता है जो टैंक की तरफ से आता है और दूसरा है देखो एक इधर पाइप रहता है, ब्रीदर पाइप रहता है, देखो इधर एक ब्रीदर पाइप रहता है, वो भी अगर ब्लॉक रहेगा तो भी गाड़ी आइडलिंग की समस्या करेगी। और अगर फ्यूल पंप का फिल्टर भी ब्लॉक रहेगा तो भी ऐसे प्रॉब्लम देगा। बट प्रॉब्लम ये दोनों का नहीं था, प्रॉब्लम कुछ और ही है, ये सेंसर का प्रॉब्लम है, वो आपको बता दो कौन सा सेंसर का प्रॉब्लम है। मैकेनिक भाइयों आप सब स्क्रीन पे देख सकते हो, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर इसे कहा जाता है, इजी वर्ड्स में इसको थर्मल सेंसर भी कहा जाता है। इस सेंसर का ये काम होता है कि इंजन कितना हीट है ECM को सिग्नल देने का काम करता है कि कितना हीटिंग है इंजन में अभी, ECM को सिग्नल देता है। अगर ये सेंसर खराब होगा तो आपको तीन बड़ी समस्या का फेस करना पड़ेगा। सबसे पहले गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं होगी, दूसरा गाड़ी आइडलिंग में प्रॉपर चलेगी नहीं, तीसरा गाड़ी जर्किंग करेगी, मिस फायरिंग करेगी, ऐसे लगेगा गाड़ी में कुछ थ्रोटल रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ये तीन प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा दोस्तों आपको, और आगे वीडियो में देखते रहिए आपको बताता हूँ। बस ये डिटेल्स में ये सेंसर क्या काम करता है वो आपको शॉर्ट बताया, अभी आगे देखते हैं प्रॉब्लम क्या था। ये सेंसर का प्रॉब्लम है देखो आइए आपको बताता हूँ। ये देखो ये है EOT सेंसर, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, बराबर थ्रोटल बॉडी के नीचे लगा है सेंसर। उसको डिसकनेक्ट करेंगे, देखें गाड़ी में ऑटोमेटिक गाड़ी में स्टार्ट हो जाएगी। देखो आपको बताता हूँ डिस्कनेक्ट करता हूँ और देखो गाड़ी सिंगल सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अभी डिस्कनेक्ट करेंगे भाई, डिस्कनेक्ट करो तो
तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो ये अभी डिस्कनेक्ट कर दिया है, अभी सॉकेट को डिस्कनेक्ट कर दिया है, और कैप भी देखो फ्यूल पंप का कैप वगैरह सब बराबर से लगा दिए है। अभी आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, सिंगल सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट होगी, तो आइए आइए गाड़ी स्टार्ट कर दें। देखो और गाड़ी छोड़ो, एक्सीलेटर छोड़ो, देखो एक्सीलेटर छोड़ो, एकदम नॉर्मल कंडीशन में गाड़ी आई, गाड़ी रन करिए, एक्सीलेटर लो। आपके जानकारी के लिए मैं लाइव प्रूफ शेयर करते चलूँगा। देखो गाड़ी को कुछ और नहीं किए, बस यही कि सेंसर डिस्कनेक्ट कर दिए, ईओटी सेंसर डिस्कनेक्ट करने के बाद गाड़ी देखो एकदम नॉर्मल कंडीशन में आ गई। छोड़ दो तो भाई एक बार, गाड़ी देखो अभी भी नॉर्मल कंडीशन में आ गई है। तो मैकेनिक भाइयों, अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर मेरा शेयर करते चलूँगा, और कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे व्हाट्सअप करिए, आपको डिटेल्स के साथ बताऊंगा क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है गाड़ी में। बस मेरे से वीडियो शेयर करते रहिए, अगर वीडियो मेरी पसंद आई रहेगी तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।